नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। मैं आपको जो खबर बताने जा रही हूं वो बेहद गंभीर है। एक बार फिर से खेल जगत शर्मसार हुआ। इस बार भाजपा के बड़े नेता रहे अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली, जो DDCA दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन पर बेहद संगीन आरोप लगे हैं। एक महिला जिसका नाम ज्योत्सना साहनी, उन्होंने 4 जून शाम 7:06 पर एक ईमेल रोजर बिन्नी, BCCI के चेयरमैन VVS लक्ष्मण, पूर्व क्रिकेटर जय शाह, BCCI सेक्रेटरी तथा ओम बैट्समैन DDCA को भेजकर रोहन जेटली व उनकी पत्नी पर सनसनीखेज आरोप लगाए। इन आरोपों को हम आपको मेल में पढ़कर बताएंगे। ज्योत्सना ने आरोप लगाया कि रोहन जेटली ने अपने पद और उसकी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए उनसे शारीरिक संबंध बनाए और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उससे शादी करेंगे, और इसी झांसे में लेकर रोहन जेटली ज्योत्सना साहनी को होटल में ले जाते रहे। अपनी मेल के सब्जेक्ट में ही ज्योत्सना ने लिखा है कि रिमाइंडर अब्यूज ऑफ पावर 4 जून को भेजी गई ईमेल में, जिसे हम स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि 4 महीने पहले जो शिकायत मैंने रोहन जेटली के खिलाफ दर्ज कराई थी, उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उल्टा रोहन जेटली और उसका परिवार विभिन्न माध्यमों से मुझे धमकियां देकर शिकायत वापस लेने का लगातार दबाव बना रहा। रोहन मेरा लगातार शोषण कर रहे हैं। ज्योत्सना ने गंभीर सवाल भी खड़े किए कि कौन जिम्मेदार होगा यदि मेरे साथ कुछ घटित होता है, अगर मैं अचानक मरी हुई पाई जाऊं या अचानक रोड एक्सीडेंट हो जाए या कोई मेरे जीवन को नुकसान पहुंचा दे। इन सब के डर से मैं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा, मानसिक सुकून के लिए देश छोड़ने को विवश हूं। मैं बेहद असहाय और विवश महसूस कर रही हूं। ना केवल रोहन जेटली अपितु सबसे दुखी हूं जो इस सब को कंट्रोल करते हैं। ज्योत्सना लिखती है कि मैंने जब फरवरी में इस गंभीर मामले की शिकायत की थी तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे न्याय मिलेगा, किंतु अब मेरी उम्मीद टूटने लगी। किसी ने भी मेरे आरोपों पर कार्यवाही नहीं की और अब मैं तब स्तब्ध रह गई जब मैंने दिल्ली के IPL मैच में रोहन जेटली को गर्व के साथ अध्यक्ष पद के रौब में एंजॉय करते हुए देखा। बड़ा सवाल ये है कि क्या पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे BJP सांसद ब्रजभूषण सिंह के मामलों की तरह रोहन जेटली ज्योत्सना साहनी विवाद को भी दिल्ली पुलिस ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं? क्या खेल मंत्रालय BCCI रोहन जेटली को बचा रहा है? क्या ज्योत्सना साहनी को मिलेगा न्याय, या ज्योत्सना की न्याय की आवाज सिर्फ नक्कार खाने में तूती की तरह आवाज बन जाएगी? सवाल तो और भी है, बाकी के सवालों पर मिलते हैं अगले वीडियो में।